हमने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। यस सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग श्रीनगर से निकल गए हैं कारगिल के लिए और अभी जिस रूट पे हैं इसे यहाँ के लोकल्स तो कह रहे हैं कि यही रोड है लेह जाने के लिए। हालांकि इस रोड को देख के ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि हमने आज तक जो सुना है वो यही सुना है कि श्रीनगर से कारगिल का जो रोड है बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त। सो अभी तो वो मस्त वाली फील इसमें नहीं आ रही। होप्स हो कि ये लोकल एरिया थोड़ा सा ख़त्म हो तो उसके बाद फिर कुछ अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। बट गाइस यस, श्रीनगर में कर्फ्यू वाले हालात हैं जिसकी वजह से जगह जगह हमारे को जगह जगह यहाँ कर्फ्यू वाले हालात देखने को मिले हैं। और ऑल थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे हालातों में भी ऐसी जगह से निकल पाते हैं, सेफली निकल पाते हैं। ये लोग दिन रात यहाँ ड्यूटी पे खड़े रहते हैं, तब जाके हम लोग महफूज होके किसी भी जगह पे ट्रैवल कर पाते हैं। सो यस, आई लव माय इंडियन आर्मी एंड आई विल ऑलवेज लव माय इंडियन आर्मी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। देखिए और सजनों, 2 घंटे बाद हम द्रास में पहुंचेंगे और ये फ्लाइट लैंड करेगी। आप सभी के सहयोग के लिए और आपकी शुभ यात्रा के लिए हम मनोकामना करते हैं। बैठे रहिए हमारे साथ अपनी इस फ्लाइट पे। अब हो गए हैं टायर्ड, सो टॉस। सोनमर्ग में हम लोगों ने लंच की कर ली है तैयारी, लेकिन यहाँ लंच करने के लिए इससे पहले रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। ये है बड़ा हसीन सा नज़ारा, ऐसा लग रहा है यहीं खटिया डालो और यहीं सो जाओ। ये ऊंची ऊंची वादियाँ, ओ माय गॉड, यहाँ तक नज़र जाएगी बस खूबसूरती ही बहुत। वाह, वेरी नाइस। इंडियन आर्मी ने यह जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है।
नेक्स्ट वीर भूमि, पीछे अपना कारगिल का वॉर मेमोरियल का जो मेन फ्लैग है वो, एंड देन यहाँ पे वो जिन्होंने शहादत दी इस देश के लिए। इन लोगों की कुर्बानी सालों साल और हमेशा के लिए ये याद और दिल में रहेंगे। यहाँ लिखा रेजिमेंट्स के बारे में जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, और ये पीछे सबकी जिन लोगों ने इस देश के लिए जान दी। हिंदुस्तान के आज तक के इतिहास में हमने कभी भी किसी दूसरे मुल्क पे पहला बार नहीं किया है। 1947, 65, 71, 99, यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ग्लोरी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाय सर।